व्यूवर्स देखिए समंदर में सांप। दोस्तों इस वक्त मैं साहिल समंदर पर मौजूद हूं और ये साहिल समंदर पताया थाईलैंड का है और पताया इस सिटी का इस साहिल का नाम है। और ये आप देखें रात के इस पहर मैं इस समंदर में, ये तो अच्छा हुआ कि ये पहली नज़र आ गया। ये छोटा सा सांप है लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पानी के अंदर, पानी के साथ साथ बिल्कुल साहिल तक आया है। और अगर कोई इस तरह पानी में नहा रहा हो इस वक्त या वैसे एंजॉय कर रहा हो तो ये सांप उसको काट भी सकता है। अब मुझे ये तो नहीं अंदाज़ा आइडिया कि ये सांप जो है ये ज़्यादा जहरीला है या क्या है। वैसे तो छोटा सा ही है लेकिन सांप तो सांप है ना भाई। तो आप सभी लोगों को ये सांप नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग जब भी पानी में, समंदर के पानी में इस तरह जाएं तो बी केयरफुल रहें कि इस तरह सांप भी जो है वो पानी में आ सकते हैं समंदर में। ये देखें ये अभी भी यहीं है और ये इसी तरह तैरता हुआ समंदर के पानी में शायद चला जाए। अभी तो ये पानी की लहरों की वजह से अंदर वापस नहीं जा पा रहा। ये देखें अभी भी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, स्पेशली साहिल समंदर पे थाईलैंड के, क्योंकि थाईलैंड में जो है ना ये बहुत सारे सांप हैं। और मैं भी इस पानी से अब दूर ही हो जाऊं क्योंकि ये सांप जो है ये अगर छोटा है तो हो सकता है कोई बड़ा सांप भी हो भाई, वो भी आ सकता है। तो अब ये गायब हो गया जी सांप, अब तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं पीछे ही रहूं तो अच्छा है।